चल दिया। अब खाली खाई रहेगा रूम। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मिस्टर मिस्टर सुपरजीत में। क्या हुआ? अच्छा, तो आज सुबह सुबह हम लोग नहा धो के रेडी हो गए, जो कि 10 बजे सो के उठते हैं। ये भी हंस रही है कि मम्मा जल्दी जल्दी हमको उठा दी, नहा धो के रेडी कर दी। अभी हमने आपको दिखाया था कि हमारे यहाँ नाश्ता भी आ गया, क्योंकि जो आंटी रहती है, आंटी ने नाश्ता इतना सारा भेजा दिया। और रोना मना है वैष्णव भी आज के दिन। अरे ठीक है, गोदी में रख के। तो इस वजह से तो हमारे घर आज गेस्ट आ रहे हैं, और बहुत दूर से वो गेस्ट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर से। तो वो निकलने के बाद फोन किए कि हम निकल गए, और हम लोग सोए हुए थे। वही फटाफट उठी और ब्रश व्रश की और जल्दी से नहा धो के रेडी वेडी हो गई हूँ। और नाश्ता तो आंटी ला के रख दी है, लेकिन कोई घर में आ रहा तो खाने में तो बनता नहीं है ना। तो खाया, इसको भी हंसी आ रही है। बताइए कि मम्मी आज कैसे कैसे जल्दी जाती है, कि इसको तो कौन किस बात का हंसी है। अब वैष्णव के लिए जूस ऑर्डर किए, क्योंकि हम लोग जब भी करते थे रात में ऑर्डर करते हैं, सुबह पहुंचा देता है। तुम क्या हंस रही है? तुम को हंस रही, जबरदस्ती करो ना, जबरदस्ती का हंसना। जबरदस्ती के हंसी है जो। तो वैष्णव के लिए आया है जूस, 2 गिलास मंगाए क्या? ओ भगवान, फिर एक आप पी लीजिए बस। आपने कुछ कीजिएगा, बताइए। दोस्त के आने की खुशी में खाना पीना भी त्यागना होता है क्या? आइए पियेंगे बेटू। तो मिलते हैं थोड़ी देर से, बस इंतजार कर रहे हैं तब से। आप पहुँचे, आप पहुँचे, लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं है। वो लोग कल ही आने वाले थे। हाँ बेटू, बट कल इतनी बारिश हुई है बेंगलोर में, ये क्या बताऊँ, कि वो लोग रास्ते से ही लौट गए थे। दबाना नहीं है बेटू, तो ऐसे निकल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर से। इसको थोड़ा सा जूस उस पिला दूं, तब तक वो लोग आ जाएंगे। कि बस 10-15 किलोमीटर बोले हैं कि बचा है। काफी दूर से आ रहे हैं, बहुत दूर से, मतलब हजारों किलोमीटर से आ रहे हैं। हाँ बेटू ठीक है, ओके। 2000 years later. आने दिक्कत तो नहीं हुआ? कोई नहीं, चलेगा। अच्छा। आ जाओ। क्या इंतजार करवाई बहन, बता तू। हाँ। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है। मेरे को लगा आधे घंटे पहुंचने वाले। मतलब अभी तक तुम रिकॉर्डिंग बंद नहीं करवा रही? नहीं, वो तो अब लाइफ टाइम चलेगा। क्या नेटवर्क नहीं है? नेटवर्क नहीं है, आजा। अच्छा अच्छा, रुक रहा है। अरे बाप रे, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, मेरे घर साथ में आ रहा हूँ। नहीं आप अच्छा वो रखे ही नहीं, कोई नहीं, फिर तो रुकना पड़ता आज। इंतजार की कल Two thousand years later. क्या वो पता? अरे ये कुत्ता नहीं।
ए चली भालू पकड़ा हुआ है, भालू पकड़ा हुआ है। आराम से आराम। आजा बेटू इमोशनल हो गई है, मतलब है कहाँ जा रही है वैष्णवे। तो फ्रेंड के जाने बस सो गई, हालत दिख रहा होगा आपको, नींद बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, सुबह उठे हुए थे। नहीं रोए, नहीं रोएंगे किस लिए, बस नींद आ गई थी, खतरनाक सो गए थे। यूजर समझ नहीं क्या बहुत रही। और अभी हम लोग जा रहे हैं
कपड़ा सिलने के लिए देने। तो यहाँ पे मैं अपने जो फ्रेंड को देखा ना, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि वो कौन से फ्रेंड थे। तो वो हमारे कॉलेज के फ्रेंड थे, जिस टाइम हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तब के ही फ्रेंड है। और वो पहली बार बेंगलोर आए थे, तो हमने उनसे बोला था कि अगर आए हो तो हमारे यहाँ ही रुकना। लेकिन वो ऑलरेडी पहले उनके हस्बैंड के दोस्त थे वहाँ पर रुक चुके थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं वहाँ पहले से रह रहे हैं। एक दो दिन हो गया था, एक दो दिन के बाद हमें पता चला कि वो बैंगलोर आए हुए हैं। तो इस वजह से बोले कि हम वहीं रुकेंगे लेकिन हम मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। तो वो ही मिलने के लिए आए हुए थे और ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाए। और थोड़ा बहुत हमने क्लिप बस वीडियो हमने वो किया था, शूट किया था, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर बात कर रहे थे क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिले थे। मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया होगा, 10 साल हो गया होगा मिले हुए। तो इस वजह से हाँ मतलब 7-8 साल प्लस हो गया था मिले हुए। तो यहाँ पर मैं गई हूँ साड़ी का सिलने के लिए देने के लिए गई थी, और आते आते इतनी तेज़ बारिश होने लगी, आपको दिख रहा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।